हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के दूसरे जो नया वीडियो मैंने बनाया है आपको, जो सेकेंड वीडियो आप देखेंगे मैनेजमेंट पेपर का, उस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट जाते आते पिछले वीडियो मैंने बताया कि हम लोग नेक्स्ट जो सीखने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है उससे मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, जितने ही प्रकार के टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं उसका पूरा डिटेल स्टडी मैं आपको करवाऊंगा आज के वीडियो लेक्चर में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिजनेस का पर्पस जो है मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो इसके अलावा इसका क्या महत्व है, इसके अलावा क्या देता है। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट अर्निंग और भी चीज़ें हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस किया जाता है। जैसे आप क्या हो सकता है, पहला रेवेन्यू जनरेशन जो आप कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेवेन्यू जनरेट होता है। आपने अगर पैसा नहीं भी लगाया लेकिन किसी माध्यम से उसको आप अपने सर्विस को बेचकर, अपने गुड्स को बेचकर वो आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इट मीन्स प्रॉफिट आप ला सकते हैं। और प्रॉफिट लाने की वजह से क्या होगा ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इट मीन्स आपका जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगा। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, देश की आर्थिक स्थिति हो, समाज की आर्थिक स्थिति हो, वो हमेशा सुदृढ़ होता चला जाएगा। आप बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो आपके समाज की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और अपने देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया बिजनेस का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट। जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास प्रॉफिट होगा तो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस तरीके की जीवन आप जीते हैं उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनोवेशन ऑफ न्यू आइडियाज। हम लोग क्या करते हैं, किसी बिजनेस को जब करना शुरू करते हैं तो उसके आउटपुट पे, इट मीन्स हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मीन्स हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उस बिजनेस में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस बिजनेस की, या इट मीन्स आपका अनुभव बढ़ता है, तो न्यू आइडियाज़ को आप जनरेट करने का ही मौका मिलता है। नए नए तरीके आपके पास लागू करते आप हैं ताकि आपका व्यवसाय बढ़ सके, खुद ही जनरेट करना शुरू करते हैं। तो न्यू आइडियाज़ को जनरेट करता है बिजनेस, ये बिजनेस का महत्व है कि न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए बिजनेस आपका बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयमेंट जो हैं, आप लोगों को आप नौकरी देंगे, आप लोगों को जॉब देंगे, आप लोगों को अपने पास रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट अब ज़्यादा हो गया तो और प्रॉफिट लाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको और कई लोगों की आवश्यकता होगी, कई हाथ की आवश्यकता होगी, हेल्प की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करेंगे, जाने अनजाने में जो बिजनेस होता है कई लोगों को रोजगार देने का भी काम करता है। तो इस बात का ख्याल रखें, ये इम्पोर्टेंस हो गया, इसको आप ध्यान पूर्वक अगर एग्जाम में आए तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्केट एक्सपेंशन। आपको पता है कि अपने बिजनेस के थ्रू आप मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, किसी व्यवसाय में आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि वो बिजनेस आपका कई प्रदेश में चला जाता है, तो इस तरीके से मार्केट एक्सपेंशन भी करता है, बिजनेस मार्केट को एक्सपेंड करता है, एक सीमित जगह पर ना रहकर एक बड़े पैमाने पे बिजनेस चला जाता है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस जो है तीन प्रकार को बांटा गया, तीन प्रकार में, पहला सर्विस बिजनेस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तीसरा ट्रेड बिजनेस। बारी बार से हम लोग देखते हैं कि सर्विस बिजनेस का क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या मतलब और ट्रेड बिजनेस का क्या मतलब है, बारी बार से इसको मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सर्विस बिजनेस के बारे में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं सर्विस बिजनेस फर्स्ट लिखूंगा, उसके बाद डिटेल आपको इसके बारे में मैं स्टडी करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं सर्विस बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो आप वर्ड से जो इसका टर्म है उसी से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो सर्विस बिजनेस कहलाता है। हम लोग उसमें देखते हैं कि गुड्स का आदान प्रदान ज़्यादा नहीं होता, इसमें सर्विस हम लोग देते हैं, मीन्स दूसरों को सेवा देते हैं, और सेवा के कारण जो व्यवसाय हुआ, सेवा के कारण जो प्रॉफिट अर्निंग हुआ, वो आपको क्या कहलाता है, उस बिजनेस को हम लोग सर्विस बिजनेस कहते हैं। उसमें भी कुछ फायदे होते हैं, उसमें भी कुछ अर्निंग होता है, तो ये हम लोग कहलाता है कि इस प्रकार के बिजनेस को सर्विस बिजनेस, बहुत प्रकार का हो सकता है। इट मीन्स सर्विस जो बिजनेस होता है
वो आपको जाने अनजाने आप देख सकते हैं, फिजिकल नेचर हो सकता है, फिजिकल नेचर का नहीं भी हो सकता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को सर्विस दे रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विस दे रहे होंगे, या फिर आप डायरेक्ट आप दे रहे होंगे, फिजिकल वे में सर्विस दे रहे होंगे, उसके कारण आप व्यवसाय कर रहे होंगे। तो सर्विसेज प्रोवाइडर वाले सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, अरे सर्विस प्रोवाइडर वर्ड लगाया गया है हर मीनिंग में, ये सारे मीनिंग में हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सर्विस प्रोवाइडर कहा जा रहा है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, पहला हेल्थ केयर। अच्छा आप ध्यान रखिए, हेल्थ केयर यानी आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितने भी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं आप देखिए बड़े गौर से, उनको हॉस्पिटल में आप जाते हैं और वहाँ पे आपको नर्सिंग होती हैं, तो नर्सिंग क्या करती हैं, आपकी सेवा करती हैं। कभी कभी आप इतने बीमार हो जाते हैं, आप कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है ताकि आपको 25 दिन की रेस्ट की आवश्यकता है, और मेडिकल जो भी गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता होती है, तो वो आपको सेवा ही तो देते हैं ना। बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज़ होते हैं, इमरजेंसी वार्ड होता है, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ देकर वो आपकी सेवा करते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड जो हुआ, या प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिसेस जितना भी हुआ, और स्पेशलिस्ट जितने भी होते हैं, जो आप जैसे आई स्पेशलिस्ट हुआ, चाहे वो नोज़ स्पेशलिस्ट हुआ, या फिर ईयर स्पेशलिस्ट हुआ, जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, या अदर प्रकार के स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं, किसी चीज़ में जो दक्षता जिन्होंने हासिल की है, तो क्या हो रहा है, वो व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी दक्षता को बेचकर, अपने दक्षता को प्रोवाइड करवाकर, अपनी दक्षता को उन्होंने, ऐसा है नहीं कि मतलब कुछ सामान अभी ख़रीदा और उसको प्रॉफिट पे तुरंत बेच रहे हैं, उन्होंने कुछ दक्षता हासिल किया, कुछ स्किल्स हासिल किया उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, और वो सर्विस दे रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वो सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हेल्थ क्लब में कर रहे होंगे, हेल्थ रिलेटेड कर रहे होंगे, मेडिकल फील्ड में कर रहे होंगे, तो मेडिकल स्टाफ जितने देखते आप हैं, आई स्पेशलिस्ट देखते हैं, प्रैक्टिशनर्स देखते हैं, वो सब क्या करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, सही है जी। लेकिन देखिए, जो दवा की दुकान है, तो दवा की दुकान पे जो बैठ रहे हैं, तो वो उस दवा उन्होंने ख़रीदा, और आपने गया मांगा कि मुझे ये दवा चाहिए, तो उन्होंने कितने में ख़रीदा होगा, बेच दिया, तो प्रॉफिट अलग होगा। तो ये सेवा नहीं हुआ, ये सेवा नहीं, ये प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट वाला हो गया आपको। लेकिन सेवा भाव क्या हो गया, सपोज डैट आप गए और नर्स ने आपकी सेवा की, और उसके एवज में इतना आपको लग गया, वो बेड लगा, बेड उन्होंने सुविधा दिया बेड का, तो बेड का लग गया। तो ये सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं, क्या है वो, किस प्रकार का है वो जी, तो सर्विस प्रकार का बिजनेस हो गया, उसके कारण उनको अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है। तो प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस में कैसा हो गया, अकाउंटिंग, लीगल, आर्किटेक्चरल, ETC, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी है, जैसे आप सुने होंगे ना कि पर्सनल आपका जब इनकम बढ़ जाता है तो CA आप रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या पर्पस है, आपके प्रॉफिट का जितना भी है अकाउंटिंग करना, देखरेख करना, डेबिट क्रेडिट सारे का ख्याल रखना, तो क्या करें, सर्विस दे रहे हैं आपको, और तो कुछ कर नहीं रहे ना, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आपको कुछ बेच नहीं रहे, अपनी दक्षता जो उन्होंने हासिल की है अपने पर्टिकुलर फील्ड में, उसके कारण वो आपको सर्विस दे रहे हैं। नेक्स्ट है लीगल। लीगल जितने भी आप लॉयर देखते हैं आप, तो क्या करते हैं, अपनी दक्षता ही तो बताते हैं ना, उनके पास कुछ सामान नहीं होता, घुस नहीं होता, उन्होंने जो स्किल उन्होंने डेवलप की है उसको वो लागू करते हैं, वहाँ से वो अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आर्किटेक्चरल में देख सकते हैं, जितने भी लोग बनाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाते हों, तो उनके अंदर एक दक्षता है, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस कारण वो सर्विस बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक, नेक्स्ट हम लेते हैं फाइनेंशियल सर्विस। अच्छा फाइनेंशियल सर्विस मीन्स आप जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंक वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग बैठे होते हैं तो उनके पास कुछ सामान नहीं होता देने के लिए, वो क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, चाहे वो ATM सर्विस की बात करें, चाहे वो कुछ और सर की बात करें, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जितने सब पर देखे प्रॉफिट वो ये करते हैं, अर्न करते हैं, उसका भी चार्ज रखा जाता है, तो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले आपसे पैसा ले रहे हैं, तो एक प्रकार का बिजनेस हो गया ना। जैसे आपको कार्ड जो यूज़ करते हैं, ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आपको SMS के बदले आपके मोबाइल पे SMS आता है, उसका भी चार्ज काटते हैं 3 महीने पे 15-20 जो भी रुपये हैं। तो ये जो सर्विस दिया गया आपको, ये सर्विस किस प्रकार की सर्विस है, ये किस प्रकार की सर्विस हुई, तो ये जो सर्विस है इसी को बोलते हैं सर्विस बिजनेस,
ये सर्विस दिया गया, वो एक प्रकार का बिजनेस बन गया सर्विस बिजनेस में। तो बैंकिंग सेक्टर में इंश्योरेंस जो आपको है, जीवन बीमा जो करवाते हैं आप हैं, तो जीवन बीमा में भी क्या करते हैं, वो आपको कुछ सामान देते हैं, आप भी उनको कुछ सामान देते हैं, बस आपको एक सर्विस देते हैं। उसके कारण प्रॉफिट लॉस की बात होती है, उसके कारण अर्निंग की बात होती है, वो आपको सर्विस देते हैं, इसके एवज में आप उनको पैसा देते हैं, यही तो होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मीन्स क्या होता है, जितने भी आपको सेवा भाव से खोला जाता है, मीन्स जैसे लोग का पेट भरे, लोग को अच्छा भोजन मिले, तो वहाँ पर सामान तो ज़रूर लगाया था, लेकिन वो खोला जाता पर्सनल वे में, खोला जाता एक ह्यूमन मीन्स जो पब्लिक है उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको खोला जाता है, रेस्टोरेंट होटल छोटा मोटा होटल मोटल जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, हॉस्पिटलिटी प्रकार का बिजनेस है, इसको हॉस्पिटलिटी में रखा गया है, रेस्टोरेंट हो होटल हो मोटल हो ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेवल में। ट्रेवल में जितने भी आप देख रहे हैं एयरलाइंस डिपार्टमेंट हो ट्रेवल एजेंसीज हो, उसमें जो सर्विस दिया जाता है वो क्या है, आप जाते हैं कुछ पूछते हैं, आपका काउंटर बना रहता है, आप एयरलाइंस के बारे में पूछते हैं, ट्रेवल एजेंसी की बस कब कहाँ पर है, कितने देर में आएगी, कितने बजे टाइम है, वो सर्विस तो दे रहे हैं ना, उसके बाद में उनको प्रॉफिट हो रहा, वो चाहे वो जिस पार्टी जिससे रिलेटेड हैं, जिस कंपनी से रिलेटेड हैं, जिस एयरलाइंस रिलेटेड हैं, उनको प्रॉफिट दे रहा बस समझ में आ रही है। तो ट्रेवल रिलेटेड जितने भी हैं वो क्या है, वो जी सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रकार का बिजनेस हो गया। नेशनल होते हैं अदर्स में, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। अदर्स में आप जैसे जितने भी काउंसलर होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, जैसे आप जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, तो वो क्या करें, सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, उसके एवज में आपसे पैसा ले रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। तो किस प्रकार का ये हो गया, आपको सर्विस बिजनेस कहला गया। तो हेल्थ क्लब भी आप देखते हैं, जितने भी हेल्थ क्लब में आपको क्या करते हैं, सलाह देते हैं, वो एक आप पर्सनल आप देखते हो कि कितने लोग कई होते हैं जो पर्सनल जिम में, पर्सनल जिम में कोई एक रखते हैं, मीन्स जो जिनका बहुत आइडिया है, मैंने उसमें स्पेशलिस्ट जो भी हैं, प्रैक्टिशनर जो भी हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, तो वो कोचिंग जो देते हैं तो वो रखते हैं, ताकि उनका क्या हो, बेस्ट हो सके। तो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले वो पैसा लेते हैं, पैसा अर्न करते हैं। तो ठीक है जी, तो ये रहा आपका सर्विस बिजनेस। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अभी अभी हमने लिखा कि किस प्रकार का होता था, नेक्स्ट के बारे में आपको अभी बताता हूँ। ट्रेड बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, तीन प्रकार का बिजनेस आपने सीखा ना, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो बिजनेस होगा उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, आपको ट्रेड से रिलेटेड जितना भी होगा उसको ट्रेड बिजनेस बोलेंगे। अभी अभी आपने सर्विस बिजनेस के बारे में सीखा, तो अभी तुरंत मैं आपको इसको मिटाकर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और आपको नेक्स्ट जो ट्रेड बिजनेस उसके बारे में डिटेल स्टडी करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो अभी अभी आपने देखा कि सर्विस प्रकार का जो बिजनेस होता है, सर्विस बिजनेस जो होता है उसमें सर्विस को प्रोवाइड करके हम लोग अर्निंग करते हैं, उसमें सर्विस यानी स्किल्स दक्षता या आपका अनुभव जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली सेल किया जाता है और उसके आधार पे अर्निंग की जाती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो दूसरा था और तीसरा ट्रेडिंग बिजनेस, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम लोग सीखते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, तो सिंपल सा वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कुछ मैन्युफैक्चर होता है कुछ रॉ मटेरियल से और उसको सेल करके प्रॉफिट को कमाया जाता है, उसको क्या बोलता है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है बनाना, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसको लेकर कोई गुड पर्टिकुलर कोई गुड्स बनाया जाता है, पर्टिकुलर कोई सामान मटेरियल बनाया जाता है और उसको सेल करके वहाँ से प्रॉफिट कमाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिफर्स टू ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू प्रॉपर गुड्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंज्यूम और टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। तो बहुत प्रकार के ऐसे मटेरियल्स बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, ताकि आदमी की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके, उसको कंज्यूम किया जा सकते और उससे जो बिजनेस कमाया जाता है, उससे जो बिजनेस किया जाता है, उससे जो प्रॉफिट कमाया जाता है, उस बिजनेस का नाम हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। उस प्रकार के बिजनेस को मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको कि कौन कौन सा बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आता है, लेकिन अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला लिखा प्रॉफिट कैन बी मेड बाय सेलिंग द प्रोड्यूस्ड मटेरियल्स गुड्स और अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल्स टू मेक और मैन्युफैक्चर सम अदर गुड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आप समझ सकते हैं, जैसे आपने रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उसको रॉ मटेरियल से आपने कुछ गुड्स बनाया, कुछ मटेरियल बनाया, उसको आप सेल करेंगे,
तो जब आप सेल करेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट हुआ कि नहीं होगा? अच्छा, वो जो आपने रॉ मटेरियल से आपने जो कुछ गुड्स बनाया उसको भी आप कुछ करके मीन्स उसको मीन्स बेहतर बना के उससे भी, जैसे मटेरियल भी बन गया, मटेरियल बनने के बाद आप पैकेजिंग करते हैं या उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी उससे भी डिफरेंट टाइप का मटेरियल बना सकते हैं। पहले रॉ मटेरियल, एक मटेरियल बना, अब उसको भी किस चीज़ में और इनबिल्ड करके आप मटेरियल बना सकते हैं। तो उसके कारण जो शुरुआत आपने इन्वेस्ट किया और लास्ट एंड तक जो आपका सेल हो रहा है, इसके बीच जो आएगा प्रॉफिट, वही प्रॉफिट आप कमाते हैं इस बिजनेस में। इसका मकसद ये होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जितने भी बनाए जाते हैं उसका। लिखा हुआ दी कंसेप्ट इज सिंपल, ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स आइदर ऑर्गेनिक और इनवाइट टू प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय सोसाइटी, इट विल बाय टू मॉडर्न सोसाइटी। लिखा हुआ है कि इसका मेन मकसद जो है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, मटेरियल इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, उसको कुछ गुड्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना और वहाँ से हम लोग को प्रॉफिट कमाना है, मेन मकसद होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन सा आता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रखा गया है। बहुत सारे आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपका क्या 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 होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर मैं लिखकर आपको पूरा डिटेल इसको समझा देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन सा आता है। जैसा कि मैंने आपको सर्विस बिजनेस में बताया कि जो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं सर्विस बिजनेस के अंतर्गत रखे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्री अलग अलग हो सकता है, तो उसको हम लोग रखेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग, मिटाने के बाद मैं लिखकर आपको समझाता हूँ। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किस किस प्रकार के हो सकते हैं। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है रॉ मटेरियल से, तो देखिए क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल जो डिपार्टमेंट है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल जितने भी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री का क्या काम है कि वो एक जो रॉ मटेरियल होता है उसे क्लॉथ्स, यानी जैसे रेशम से आप बनता है ना कपड़ा देखते हैं, तो ये क्या है, वो रॉ मटेरियल से बनता है। उसके लिए रेशम तैयार किया जाता है, अलग अलग कलर उसमें चढ़ाया जाता है, अलग अलग कलर में आपको दिया जाता है, तब कपड़े बनकर तैयार होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा गया, रॉ मटेरियल उसके लिए जो भी यूज़ हुआ, इसके लिए सपोर्टर जो भी रॉ मटेरियल होगा, और अंत तक पहुँचते पहुँचते प्रॉफिट कमाते कमाते उसका एक रेट रख दिया था, कितना प्रॉफिट कमाएगा तो इतना में बिकना चाहिए। तो वहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग हम लोग को हो जाता है। तो क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी यहाँ इंडस्ट्री हैं, उसका वही मकसद है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं। पेट्रोलियम, केमिकल और प्लास्टिक्स। पेट्रोलियम भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम जो है बेस प्राइस कुछ और होता है और यहाँ आते आते तक कुछ और हो जाता है। जैसे अब अभी डीजल पेट्रोल के बारे में आप जान रहे होंगे कि डीजल जो है, डीजल पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है नहीं एक्चुअली, जहाँ पे से ये निकाला जाता है, जहाँ पे इसका है ज़्यादा जिस एरिया में, जैसे आपने सुना होगा कि इस कंट्री में ज़्यादा है, इराक में ज़्यादा है, और भी जो भी कंट्री आपने सुना है, तो वहाँ पे जो उसका है, मान चले 30 रुपये लीटर वहाँ से लिया, और यहाँ पर गवर्नमेंट से हर कंट्री का अलग अलग गवर्नमेंट उसका डिसीजन है, वैट है और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करता है, टैक्स ऐड करता है और वहाँ से प्रॉफिट कमाता है। कंपनी है जो बहुत प्रकार का टैक्स ऐड करती है, उसके बाद आप वहाँ से प्रॉफिट। पेट्रोलियम जो डिपार्टमेंट है वो भी एक प्रकार का क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। उसको रिफाइन किया जाता है, जैसे रिफाइन, जैसे कच्चा जो तेल है, कच्चा तेल आया वो रॉ मटेरियल हो गया, उसको रिफाइन रिफाइनरी में डाला गया, रिफाइन किया गया, तो उसमें जो खर्च हुए सब ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर इतना दाम हो जाता है, उससे बिजनेस किया जाता है। केमिकल में भी आप जान ही रहे हैं कि उसी ढंग से काम होता है। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी जो उसका रॉ मटेरियल, जिससे प्लास्टिक कुर्सियाँ बनाई जाती है, टेल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सारा क्या हो गया, यहाँ पर से मैन्युफैक्चरिंग जो किया गया उससे रॉ मटेरियल से यहाँ तक प्रॉफिट कमा लिया गया, प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पर हो जाता है इस बिजनेस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए तो आप डिटेल समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट आप छोटे छोटे पार्ट जो देखते हैं, सपोज डेट आपको एक FET बनाना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाना है, बाइपोलर जंक्शन BJT बनाना है, तो ये जो आपने देखा जितने भी आपको डायोड बनाने हैं, ट्रांजिस्टर बनाने हैं, आपको तो कंप्यूटर से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो इनबिल्ड किया जाता है। तो वो जो रॉ मटेरियल आपका लगा, छोटा छोटा पार्ट, चाहे वो ट्रांजिस्टर लगा, डायोड लगा, बहुत सारे IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो लगते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो सब
वो बेसिक पार्ट है, वो रॉ मटेरियल हो गया, उसको से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है बहुत सारे, चाहे वो एल्युमिनियम मेटल का यूज़ किया जाता है उसमें पूरे, मैंने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते थे, मेटल भी है, ऑक्साइड है, फिर सेमीकंडक्टर्स है, तो ये सब बेसिक चीज़ हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, उससे वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है सेमीकंडक्टर, वो भी FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बन जाता है, तो उसमें से हम लोग को फ़ायदा कमाया जाता है। कंप्यूटर्स तो मैंने बताया इसी से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का भी इनबिल्ट जो होता है उस तरीके से होता है, रॉ मटेरियल्स लेकर और उसको इनबिल्ट कर दिया जाता है, उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में भी देखते हैं कि पूरी जो आप देखते हैं व्हीकल जो देखते हैं, तो व्हीकल में छोटे छोटे पार्ट होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, वो अलग 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 ला कर उसको इनबिल्ट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, चाहे वो टायर का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कुछ और का मैन्युफैक्चरिंग हो, तो पूरा ये बनाकर एक तैयार किया जाता है आपके लिए व्हीकल। उसका कच्चा माल पहले खोजा जाता है कि इस चीज़ के लिए कच्चा माल क्या होगा, इस क्लॉथ के लिए कच्चा माल क्या है, पेट्रोलियम के लिए बेस चीज़ क्या है, कच्चा माल क्या है, तो रॉ मटेरियल से उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मेटल मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझ ही रहे हैं, सपोज डेट आपको लोहा बनाना तो सरिया से बनता है ना, जिस दिन सरिया खत्म लोहा खत्म, तो रॉ मटेरियल सरिया हो गया, तो सरिया यहाँ पर सरिया जितना में मिला और रॉ मटेरियल आपने बनाया, रॉ मटेरियल से आपने तैयार किया लोहा, अब उसके बीच का जो प्रॉफिट आपको कमाना है जितना लगा पूरा आपने देखा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, उसके अनुसार आप व्यवसाय को करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उस पर चलता है। फूड प्रोडक्शन भी जितने भी देखते हैं आप, चाहे वो दूध लाने जाते हैं तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो रॉ मटेरियल हुआ, या फिर घी बनाते हैं, घी का जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड किया गया और लास्ट में सेल कर दिया गया, तो ये इसका कंसेप्ट काम करता है, इस ढंग से काम करता है। वुड, लेदर एंड पेपर, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। वुड जैसे आप जानते हैं, पेड़ कटा, पेड़ कटने के बाद उससे लकड़ी तैयार किया गया, उसको प्लेन किया गया, पलंग बनाया गया, कुर्सी बनाया गया, टेबल बनाया गया, वुड के हेल्प से बहुत सारे चीज़ों का निर्माण हुआ और यहाँ से हम लोग क्या किए, प्रॉफिट लेकर उसको सेल कर दिए। तो ये जो भी बिजनेस हुआ किस प्रकार का हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्यों, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपके पास मिला, उस पर आपने तैयार किया रॉ मटेरियल से, और तैयार करके गुड्स को आपने क्या किया, प्रॉफिट लेकर उसको सेल कर दिया, तो प्रॉफिट यहाँ पर हो गया, तो ये बिजनेस क्या कहलाया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहला गया। उसके बाद लेदर में भी, लेदर के केस में वही होता है, पेपर के केस में वही होता है, पेपर बनाया जाता है रॉ मटेरियल का यूज़ करके और यहाँ पर से आपको प्रॉफिट अर्निंग किया जाता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं इंडस्ट्री, इसका अलग अलग इंडस्ट्री काम करता है, रॉ मटेरियल्स का यूज़ अलग होता है क्लॉथ्स में, पेट्रोलियम में, और उससे वो गुड्स तैयार करके उसको सेल करके, और मकसद होता है उस पर प्रॉफिट अर्निंग हम लोग कर पाए, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मकसद ये है। पहला हम लोग देखा सर्विस बिजनेस, सर्विस बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ पर से अर्निंग किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करके कुछ बनाकर रॉ मटेरियल से यूज़ किया जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे ट्रेड, ट्रेड बिजनेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँ, तो इस वीडियो तक इतना काफ़ी है। दूसरा वीडियो लेक्चर था आपके लिए, तीसरे वीडियो लेक्चर जब मैं मिलूंगा तो ट्रेड बिजनेस के बारे में आपका डिटेल मैं बताऊँगा किस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, शुक्रिया।